चेचन कमांडर का अमेरिका को ओपन चैलेंज। कादिरोव ये नहीं मानेंगे। विजुअल देखिए जरा, ये एक और जोकर है वहां के। कादिरोव ने अब्राम टैंक को बताया खिलौना, ये देखिए। हालांकि चलाने वाला कोई और है, ये बस ऊपर बैठे वीडियो बनाते हैं। रूसी T-72 टैंक के सामने अब्राम टैंक को बेकार बताया। ये कादिरोव की जोकर पंक्ति है बेसिकली जो आपके सामने है। आप इसको वॉर मॉन्गर नहीं, वॉर जोकर कह सकते हैं। चेचन कमांडर कादिरोव एक नए स्टंट के साथ। और क्यों आया ये नया स्टंट? क्योंकि प्रिगोजिन का स्टॉक डाउन है। वैगनर जो हेड है उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे, तो कादिरोव को आना ही था। ये देखिए, बीट शहर में एक ही इंसान है जो टैंक पर बैठ के राइड ले सकता है, वो है कादिरोव। इस सब के बीच में सीधा आइए अगली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन की ओर बड़ी चेचन लड़ाकों की नई पलटन, खेप नहीं उसको, पलटन करिए एम्बियंस अप करिए। चेचन ग्रुप के सैकड़ों लड़ाके कीव की ओर रवाना। हर साल 20 नए TU-214 तैयार करेगा रूस, विद द विजुअल। रूस के डेप्टी पीएम डेनिस मुंत्रोवा का बयान। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। पश्चिमी देशों को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है रूस, विद द विजुअल। सबमरीन फोर्स के लिए ICBM तैयार कर रहा है रूस। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल की तैयारी। मॉस्को से वॉशिंगटन DC तक हमले की तैयारी। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर। पुतिन कर रहे हैं विश्व युद्ध की तैयारी, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। सीधे प्ले ऑन करिए, देखिए जो जानकारी आ रही है। सबमरीन्स ये देखिए, ओके यहां पर। अब जो मेरे पास फैक्ट्स है राहुल उसको रखिए प्लीज जरा। सबमरीन्स का जाल ये देखिए, नॉर्वियन सागर, बाल्टिक सागर, ब्लैक सी, वहां पर अजोव सागर, वहां पर ये तैयारी चल रही है। 11 सबमरीन की तैनाती जो है वो वहां पर की जा रही है। ये देखिए, अब मैं जो आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूं इनको देखिए। फिर आप जो जानकारी आ रही है, मिसाइल का जाल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बुलावा न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, कैलिबर क्रूज मिसाइल है। कॉमोडोर जीजे सिंह मेरे साथ हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग के साथ लीजिएगा, क्या मतलब है इस खबर का? देखिए ये एक डिटरेंस डिस्प्ले है, जैसे मैं समझता हूं कि इतनी सबमरीन्स को तैनात करना और ये न्यूक्लियर वेपन्स को दिखाना एक तरह का वेस्ट को एक चेतावनी, जैसे आपने कहा था, उनको दिखाने की कोशिश है कि अगर आप कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी पूरी की पूरी तैयारी है। मगर मैं ये कहता हूं कि ऐसी जो ग्राफिक या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये धमकियां दी जाती हैं, क्या इनके ऊपर जो लोग चलाने वाले, वॉर चलाने वाले होते हैं, जो जनरल या जो पीछे लोग होते हैं वेपन्स को देखते हैं, क्या उनके ऊपर असर होता है या नहीं? सिर्फ ये